So hey, what is up everyone, this is Harshit. Welcome back to a new video. So finally, one of the most awaited videos here. मैं इस वीडियो में आप एनालिसिस करूं इंपैक्ट 2022. देखो इंपैक्ट इस बार ऐसे नहीं है कि इस पर्टिकुलर डेट पे हो रहे हैं वो. इस बार उनके सिलेक्शन है डेट का कि एक महीना जो उनका पूरा है उसके बीच कभी भी दे सकते हो. अभी भी एक महीने से ज्यादा ही टाइम स्लॉट है तो उनके मतलब. लेकिन क्या है कि मैंने देखो काफी लोगों ने स्टूडेंट ने पेपर वगैरह दे दिए. मैंने उनने मुझे काफी कुछ बताया एंड इवन मैंने खुद पेपर वेपर देखा है. वो सोर्सेस थे मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड ने पेपर खुद अटेम्प्ट किया. उसने क्वेश्चंस वगैरह मुझे भेजे कौन से सेक्शन से कितने क्वेश्चंस थे कौन से टॉपिक के थे वो सब मुझे पता चल चुका है. मैं पूरा एनालिसिस करूंगा कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे आपके किस सेक्शन से कितना टाइम आपको देना चाहिए आपका गुड स्कोर क्या रहेगा गुड अटेम्प्ट क्या रहेगा ठीक है. सब डिस्कस करूंगा. वीडियो को एंड तक देखना बहुत यूजफुल रहेगी. तो बस इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं. तो बस विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो. ओके तो स्टार्टिंग में देखो इस बार इंपैक्ट ऑब्वियसली सेंटर पे हो रहा है आपको पता होगा. एंड इस बार सेक्शन देखो फिक्स है. देखो हर बार होते हैं उनके सेक्शन फिक्स रहते हैं कि आप सेक्शन स्विच नहीं कर सकते. आपको सेक्शन भी उनके अकॉर्डिंगली अटेम्प्ट करना होगा. लास्ट ईयर तक ऐसे था कि सबसे पहले आता था इंग्लिश सेक्शन फिर रीजनिंग सेक्शन फिर कौन सेक्शन. लेकिन इस बार चेंज हो गया. इस बार सबसे पहले कौन सेक्शन है उसके बाद रीजनिंग सेक्शन है फिर इंग्लिश सेक्शन ठीक है ऐसा है. एंड ऑब्वियसली इंपैक्ट में इस बार फिर से नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं. एंड आपके टोटल 3 अटेम्प्ट दे सकते हो आपको पता होगा. एंड इस बार भी हर बार की तरह कोई सेक्शनल टाइम लिमिट वगैरह नहीं है ठीक है. तो बात करूं इस बार इजी टू मॉडरेट डिफिकल्टी क्या था क्या नहीं था. तो सेक्शन वाइज बात करूं तो सरप्राइजिंगली हर साल क्या होता है कौन बहुत डिफिकल्ट आती है. लेकिन इस बार कौन लोगों को इतनी टफ नहीं लगी कौन लोगों को मॉडरेट लगी थी. मतलब ऐसा था कि कर सकते हो सिर्फ कुछ क्वेश्चन 3-4 मतलब क्वेश्चन टफ थे बहुत ज्यादा और बिल्कुल नहीं समझ आ रहे थे. मतलब बाकी सारे क्वेश्चन डुएबल थे लेकिन काफी ज्यादा टाइम लग रहा था उनमें. रीजनिंग और इंग्लिश इजी बोला गया हर साल की तरह. एज सच किसी को कुछ डिफिकल्टी नहीं आई फेस कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है. बस डेटा इंटरप्रिटेशन के कुछ क्वेश्चन थे जिसमें लोगों को डिफिकल्टी हुई उसमें काफी ज्यादा टाइम जा रहा था. टफ नहीं थे लेकिन बहुत ज्यादा टाइम जा रहा है तो वो आप चीज देख लेना. तो मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे डायरेक्ट जंप कर लेता हूँ. इस चीज को आप जानना चाहते हो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वगैरह क्या है वो बता देता हूँ. तो सबसे पहले कौन से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आए थे आपके सेट से. सेट से 3-4 क्वेश्चन थे. आपके स्टैटिस्टिक्स से 3-4 क्वेश्चन थे. देन आपके फंक्शन से 2-3 क्वेश्चन थे. देन आपके सीक्वेंस एंड सीरीज से आपके 1-2 क्वेश्चन थे. आपके प्रोबेबिलिटी से 1-2 क्वेश्चन थे. आपके टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से 1-2 क्वेश्चन थे. देन आपके ट्रिग्नोमेट्री से 3-4 क्वेश्चन थे. एंड आपका एलजेब्रा से 1-2 क्वेश्चन थे. आपके प्रॉफिट एंड लॉस से 2-3 क्वेश्चन थे. आपके रेशियो प्रोपोर्शन से 2-3 क्वेश्चन थे. आपके सिंप्लीफिकेशन से 2 क्वेश्चन थे. एंड आपके हाइट एंड डिस्टेंस से 1 क्वेश्चन थे. तो मैंने आपको बता दिया. एंड मेरे को लग रहा है कि लास्ट ईयर की तरह ही था मतलब ऑलमोस्ट पेपर का पैटर्न वगैरह. क्योंकि लास्ट ईयर भी सेट्स फंक्शन वगैरह इन सबसे ट्रिग्नोमेट्री इन सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते थे. इस साल भी सेम ही आए हैं ठीक है. इतना डिफरेंस नहीं आया लेकिन मैं तब भी आपको बता दी. ये सारे टॉपिक आप पहले कर लो. अगर आपका अभी इंपैक्ट बाकी है देना तो सारे टॉपिक आप पहले कर लो और अच्छे से कर लो. क्योंकि देखो ऑब्वियसली इंपैक्ट डेट्स वगैरह सब अलग है आपका स्लॉट वगैरह अलग है डिफरेंट डेट को. लेकिन मुझे नहीं लगता पेपर में ऐसे बहुत ज्यादा चेंजेस आने वाले हैं. सेम ही आएगा जितना मुझे लग रहा है. बस थोड़े बहुत कुछ मतलब किसी टॉपिक से एक क्वेश्चन ज्यादा आ गया 2 क्वेश्चन ज्यादा आ गया वरना ऐसे मेजर चेंज नहीं आया. आपके रीजनिंग की बात करूं तो आपके रीजनिंग में सिलॉजिज्म के 3-4 क्वेश्चन थे. आपके डेटा सफिशियंसी के 5-6 क्वेश्चन थे. आपके एलिजिबिलिटी टेस्ट जो टॉपिक उसके 5 क्वेश्चन थे. आपका टीम फॉर्मेशन ग्रुपिंग पजल्स के 3-4 क्वेश्चन थे. देन आपका डेटा इंटरप्रिटेशन ऑब्वियसली 10 क्वेश्चन थे. मतलब 10 क्वेश्चन सेंस की 2 सेट्स थे डेटा इंटरप्रिटेशन के. देन आपका वेन डायग्राम के 2-3 क्वेश्चन थे. आपके मैथमेटिकल ऑपरेशन के 1-2 क्वेश्चन थे. आपका कोडेड मैथमेटिकल एंड इनइक्वालिटीज के 2-3 क्वेश्चन थे. फिर यही थे सारे जो मेन टॉपिक जिनसे क्वेश्चंस आए थे. कुछ टॉपिक्स और बताना चाहूंगा जिनसे क्वेश्चंस तो नहीं आए लेकिन मुझे तब भी लग रहा है कि इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए. वो होंगे स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट्स, फिगर सीरीज, आपका ऑर्डर एंड रैंकिंग और आपका सेटिंग अरेंजमेंट वाले ठीक है. तो ये सब भी आप देख लेना. फिर अब मैं इंग्लिश की बात करूं. इंग्लिश सेक्शन के आपके आरसीज 3 पैसेजेस आए थे. टोटल 15 क्वेश्चन. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैरा जंपर्स आपके 4 क्वेश्चन थे. ग्रामर आपके 15 क्वेश्चन थे. ग्रामर में आपके पार्ट ऑफ स्पीच था, आर्टिकल्स था, वोकैबुलरीज के 6 क्वेश्चन थे. देन आपके ग्रामर में टेंसेस, प्रीपोजिशन, डिटरमाइनर्स था. फिर आपका सीक्वेंसिंग ऑफ आइडियाज था. आपका एरर रिकॉग्नाइजेशन था. एंड आपकी वोकैबुलरी थी. इन शॉर्ट इंग्लिश टफ नहीं था, इजी था. आपका रीजनिंग भी इजी था. एंड आपका कौन था मॉडरेट था. मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बता दिए किससे कितने क्वेश्चन आए थे. एंड बोलूंगा उन टॉपिक्स को प्रायोरिटाइज करो. आप प्रिपरेशन के टाइम वो पहले कर लो, उनकी अच्छी
प्रिपरेशन कर लो, क्योंकि चांसेस है कि पेपर ज्यादा चेंज नहीं होगा, पेपर पैटर्न में इतना बहुत जमीन आसमान पे फर्क नहीं आने वाला। आपके पास ऑब्वियसली 3 अटेम्प्ट आप दे सकते हो, ठीक है, तो आपके पास अगर आपने एक दे दिया अच्छा नहीं गया तो आपके पास अभी भी 2 अटेम्प्ट बाकी है। बस यही था पेपर एनालिसिस। लेकिन हाँ, अब मेन इंपॉर्टेंट है कि आपको गुड अटेम्प्ट क्या होगा वो बता देता हूँ। कट ऑफ नहीं, कट ऑफ के लिए एक अलग से वीडियो आ रही है, उसमें कट ऑफ के लिए कुछ और भी डिस्कस करता हूँ मैं। ऑब्वियसली लास्ट ईयर की थी कट ऑफ रिलेटेड, एक अलग से वीडियो आ रही है, एक स्ट्रैटेजी वीडियो भी आ रही है, 7 डे स्ट्रैटेजी वीडियो, थोड़ा आपको सुनने शौक लग रहा है 7 डे में कैसे क्रैक हो गए वो, लेकिन वो भी कल या परसों में आ जाएगी बहुत जल्दी, तो वो भी देख लिया। कट ऑफ वीडियो बहुत जल्द आ रही है। तो भाई देखो, आप एमपैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, वैसे आप सीयू सेट के लिए भी डेफिनेटली प्रिपेयर कर रहे होगे। जैसे कि आपको सीयू सेट इस बार आ रहे हैं, जिसमें आपके डीयू के आपके हो गए, फिर कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के जितने भी कॉलेज वगैरह कोर्सेज है, उन सबके लिए आपको सीयू सेट देना है। इवन डीयू जैट को भी रिप्लेस कर दे सीयू सेट। मैं आपको सीयू सेट के लिए बहुत ज्यादा अच्छी बुक रिकमेंड करना चाहूंगा, जो कि एवी पब्लिकेशंस की है। तो उस बुक में आपको जनरल नॉलेज मिलेगी, आपको करंट अफेयर्स मिल जाएंगे, आपका जनरल मेंटल एबिलिटी, आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग, आपका सब कुछ कवर आ जाएगा। सबसे अच्छी चीज है इस बुक की कि ये स्पेसिफिकली डिजाइंड है फॉर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, तो मुझे बेस्ट पार्ट लगा इस बुक का। एंड इवन अगर आपको टॉपिक का भी लिस्ट चाहिए कि रेफरेंस चाहिए क्या क्या टॉपिक है उसमें नहीं है, तो मैं थोड़ा सा आपको ग्लिम्स दे रहा हूँ इस बुक का। आपको टॉपिक की लिस्ट दिख रही होगी, मतलब इसमें आपका सब कुछ कवर है जो आपको सीयू सेट क्रैक करने के लिए चाहिए। एक और चीज, इस बुक में आपको सेट के जनरल टेस्ट मॉडल पेपर्स मिलेंगे, वो भी एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच मिलेंगे। आपको 5 सैंपल पेपर्स भी मिलेंगे इस बुक में सीयू सेट के लिए। आपने ये बुक यूज कर ली तो मुझे नहीं लगता आपको किसी और बुक को रिकमेंड करना पड़ेगा। एंड ऑब्वियसली आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी होगी, हम करनी है, तो जल्दी से बुक परचेज कर लो एंड अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर लो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इस बुक का परचेज लिंक डाल दूंगा, उसके थ्रू आप डायरेक्टली इस बुक को परचेज कर सकते हो। आपके गोल्ड अटेम्प्ट की बात करूं तो मुझे लगता है कॉन्स में आपके गोल्ड अटेम्प्ट होंगे 30-32+ आपके गोल्ड अटेम्प्ट होंगे कॉन्स में। देन आपका अगर मैं रीजनिंग की बात कर लूँ तो आपकी रीजनिंग में एटलीस्ट 35-37+ आपके गोल अटेम्प्ट होंगे। गोल अटेम्प्ट मतलब कि आपको कॉन्फिडेंस उन अटेम्प्ट में आपने अच्छे से किया है उन्हें, ठीक है, मतलब तुक्का नहीं मारे, ठीक है, उनकी बात कर रहा हूँ मैं। फिर आपके इंग्लिश सेक्शन में 35-38 मान लो गोल अटेम्प्ट होंगे। तो यही था गोल अटेम्प्ट, तो बाकी कट ऑफ के लिए अलग से वीडियो आ जाएगी। एंड यही तो ओवरऑल पेपर एनालिसिस। आई होप आपकी वीडियो यूजफुल होगी, इंफॉर्मेटिव होगी, तो प्लीज लाइक कर देना। इफ यू आर न्यू टू चैनल सब्सक्राइब राइट नाउ, ऐसी अच्छी वीडियो आती है रिलेटेड टू एंट्रेंस एग्जाम, रिलेटेड टू कॉलेजेस, कॉलेज फैक्ट्स, कॉलेज मिथ्स, 3 रीजंस व्हाई यू शुड जॉइन दिस कॉलेज, व्हाई यू शुड नॉट जॉइन दिस कॉलेज, 5 थिंग्स यू नीड टू नो अबाउट दिस कॉलेज। कॉलेज ब्लॉग्स आते रहते हैं, बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आते हैं, एंटरटेनमेंट ब्लॉग्स भी आते रहते हैं, तो मतलब इस चैनल पे आपको एजुकेशन भी मिलेगी और साथ साथ में एंटरटेनमेंट मिलेगा, मतलब फुल और मजा आने वाले। डू सब्सक्राइब राइट नाउ। कुछ भी डाउट वगैरह कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करो, या फिर आप इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, मुझे फॉलो भी कर लेना, तो थोड़ा जल्दी रिप्लाई मिल जाएगा। तो बस चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस, टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे सेफ।